हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अहमद स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे एक्सरसाइज 19.8 के क्वेश्चन नंबर 20 से आगे की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें। तो दिया हुआ है फ्रेंड्स आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू 1 + 3x² का पावर 5/2 इंटू dx, ठीक है। इसको सॉल्व करना है 20 नंबर क्वेश्चन, तो इसको कैसे करें। तो चलिए फ्रेंड्स आगे सॉल्व करते हैं। तो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 3x² का पावर 5/2 इंटू एक्स इंटू dx, ठीक है फ्रेंड्स। इसको इक्वेशन मान लेते हैं। अब फ्रेंड्स लेट y बराबर मान लेते हैं 1 + 3x² को, ठीक है। और इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा फ्रेंड्स तो आ जाएगा dy by dx होगा, 1 कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो, और 3x² का हो जाएगा 6x, ठीक है। और 6 मल्टीप्लाई इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 1/6 dy बराबर हो जाएगा x इंटू dx। अब फ्रेंड्स चलते हैं समीकरण वन से। तो फ्रेंड्स देखिए, समीकरण वन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 3x² का पावर 5/2, ठीक है, इंटू एक्स इंटू dx। तो चलिए इसमें मान रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 3x² को क्या मैंने y, तो y के पावर 5/2 इंटू एक्स इंटू dx। इसका वैल्यू फ्रेंड्स 1/6 इंटू dy, 1/6 इंटू dy, 1/6 कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर करते हैं, और y के पावर 5/2 इंटू dy। तो y के पावर 5/2 का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसमें 1 ऐड कर देंगे और फिर जो ऐड करेंगे जितना आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो 5/2 में जब 1 ऐड कीजिएगा तो फ्रेंड्स आएगा 7/2, 7/2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 2/7 वाई के पावर 7/2, और प्लस ये देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा 1/7 × 3 = 21, तो 1/21 इंटू वाई के पावर 7/2 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो जाएगा हम लोग का, अब फ्रेंड्स वाई का वैल्यू रख देंगे वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो y का वैल्यू 1 + 3x² रख देते हैं, 1 + 3x² का पावर 7/2 और प्लस सी। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग 21 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि 21 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि 21 का फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स 21 का फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x² / x³+1 इंटू dx, ठीक है फ्रेंड्स ये दिया हुआ है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करें, तो चलिए करते हैं। तो देखिए हो जाएगा 1/x³+1 इंटू x² × dx, इसको इक्वेशन वन लेते हैं। अब लेट करेंगे फ्रेंड्स, लेट y बराबर x³+1 को, ठीक है। और फ्रेंड्स इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आ जाएगा dy/dx का वैल्यू, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 dy बराबर आ जाएगा x² × dx, ठीक है। अब फ्रेंड्स चलते हैं समीकरण वन से। तो फ्रेंड्स समीकरण वन आपके सामने देख पा रहे होंगे, उसको पहले नोट कर देते हैं। 1/x³+1 इंटू x² × dx, अब वैल्यू का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। 1/x³+1 को क्या माने हैं y, तो 1/y इंटू x² × dx, इसका वैल्यू फ्रेंड्स क्या आया हुआ है 1/3 × dy। अब फ्रेंड्स 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ 1/y इंटू dy, 1/3 इंटू 1/y का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स होता है log mod y, और ये प्लस सी हो गया। अब वाई का वैल्यू रख देंगे 1/3 × log mod, वाई का वैल्यू फ्रेंड्स है x³+1, तो रख देते हैं x³+1 और प्लस सी। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का 21 का फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स चलते हैं तो चलिए इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, 21 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। 21 का फर्स्ट हो चुका है, अब चलते हैं 21 का सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x² / 2 + 3x³ का पावर 3 है, ठीक है, ये दिया हुआ है
इंटू डी एक्स है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका सोल्यूशन करना है तो हम लोग कैसे करें, तो चलिए करते हैं। वन बटा टू प्लस थ्री एक्स क्यूब का पावर थ्री इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको इक्वेशन वन लेते हैं फ्रेंड्स। अब लेट करेंगे लेट वाई बराबर टू प्लस थ्री एक्स क्यूब को, ठीक है, टू प्लस थ्री एक्स क्यूब। और इसका जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा फ्रेंड्स तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट है शून्य हो जाएगा, और थ्री एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर, वन बाई नाइन इंटू डी वाई बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब फ्रेंड्स चलते हैं समीकरण वन से, तो फ्रेंड्स समीकरण वन से चलेंगे तो पहले समीकरण वन को नोट कर ले, दिया हुआ है वन बटा टू प्लस थ्री एक्स क्यूब का पावर थ्री इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ वैल्यू रख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा टू प्लस थ्री एक्स क्यूब को फ्रेंड्स क्या माने हैं, तो इसको वाई माने हैं, तो वाई क्यू हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू फ्रेंड्स वन बाई नाइन इंटू डी वाई, वन बाई नाइन इंटू डी वाई। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वन बाई नाइन को बाहर करते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ वाई के पावर माइनस थ्री इंटू डी वाई, वन बाई नाइन इंटू वाई के पावर माइनस थ्री प्लस वन बटा माइनस थ्री प्लस वन, और प्लस सी हो गया आ जाएगा वन बाई नाइन इंटू वाई के पावर माइनस टू बटा माइनस टू प्लस सी आ जाएगा, तो हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस वन बटा एटीन, और वाई के पावर माइनस टू होगा तो इंटू वन बाई वाई स्क्वायर प्लस सी, तो आ जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का माइनस वन बाई एटीन। तो फ्रेंड्स से दिख नहीं रहा है तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको यहाँ नोट कर देते हैं, आ जाएगा फ्रेंड्स माइनस वन बाई एटीन इंटू, ये तो फ्रेंड्स हो ही गया हम लोग का माइनस वन तो ऊपर रहेगा, माइनस वन बटा एटीन वाई स्क्वायर है, तो वाई का वैल्यू फ्रेंड्स टू प्लस थ्री एक्स क्यू है, तो नोट कर देते हैं टू प्लस थ्री एक्स क्यू इसका पावर स्क्वायर यानी कि टू हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा प्लस सी। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड का सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए देखते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया हुआ है, 22 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वन बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इसको इक्वेशन वन लेते हैं। अब फ्रेंड्स लेट वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका जब डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स कीजिएगा तो ए जो है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन शून्य हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर है तो माइनस पहले तो माइनस, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स होता है तो माइनस टू एक्स हो गया, माइनस टू को इधर डिवाइड कर देते हैं तो माइनस वन बाई टू इंटू डी वाई बराबर हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स। अब फ्रेंड्स चलेंगे समीकरण वन से, तो देखिए फ्रेंड्स समीकरण वन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू ए सॉरी फ्रेंड्स डी एक्स नहीं होगा इंटू एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें मान रख देंगे और आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ हो जाएगा वन बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को वाई माने, तो अंडर रूट वाई इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू फ्रेंड्स माइनस वन बाई टू इंटू डी वाई। अब देखिए फ्रेंड्स आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस वन बाई टू बाहर कर लेते हैं, वन बाई रूट टू वन बाई रूट वाई सॉरी फ्रेंड्स वन बाई रूट वाई इंटू डी वाई हो जाएगा माइनस वन बाई टू रूट वाई, वन बाई रूट वाई का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स होता है टू रूट वाई, तो हो जाएगा टू रूट वाई प्लस जब टू से फ्रेंड्स टू कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस रूट वाई प्लस जब वाई का वैल्यू रख देते हैं तो माइनस रूट वाई का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए देखते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू डी एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करें, तो चलिए इसको इक्वेशन वन ले लेते हैं और लेट कर लेते हैं डायरेक्टली, लेट वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा फ्रेंड्स, तो आ जाएगा डीवाई बाई डी एक्स बराबर ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन शून्य हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वन बाई टू इंटू डीवाई बराबर ए एक्स इंटू डी एक्स। अब समीकरण वन से चलेंगे, तो फ्रेंड्स समीकरण वन से चलेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ दिया हुआ समीकरण वन, वन बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ मान रखेंगे तो आ जाएगा वन बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को फ्रेंड्स क्या माना है वाई, तो अंडर रूट वाई इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू फ्रेंड्स वन बाई टू इंटू डी वाई, तो वन बाई टू इंटू डी वाई। अब वन बाई टू बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा रूट वाई इंटू डी वाई। अब देखिए फ्रेंड्स वन बाई टू इंटू वन बाई रूट वाई इंटू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन फ्रेंड्स होता है टू रूट वाई, तो टू रूट वाई प्लस ए, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा फ्रेंड्स रूट वाई प्लस ए। अब वाई का वैल्यू रख देंगे तो रूट वाई का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आ गया फ्रेंड्स हम लोग का इसका सोल्यूशन, यही हो जाएगा आंसर। अब फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, तो चलिए देखते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का पावर पी, ठीक है, यह दिया हुआ है और ये इंटू डी एक्स, ठीक है, यह दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स इसको इक्वेशन वन लेते हैं और लेट करेंगे फ्रेंड्स, लेट वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को, और इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिएगा फ्रेंड्स, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन शून्य हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू टू ए एक्स, अब टू ए मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वन बाई टू ए इंटू डी वाई बराबर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं समीकरण वन से, तो समीकरण वन से चलेंगे तो देखिए फ्रेंड्स समीकरण वन दिया हुआ है वन बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का पावर पी इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो आ जाएगा वन बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को वाई माने तो वाई के पावर पी हो जाएगा इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू आया हुआ है वन बाई टू ए इंटू डी वाई। अब देखिए फ्रेंड्स वन बाई टू ए जो है वो कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ वाई के पावर माइनस पी हो जाएगा इंटू डी वाई, तो हो जाएगा वन बाई टू ए इंटू वाई के पावर माइनस पी प्लस वन बट्टा माइनस पी प्लस वन और प्लस सी, तो आ जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का आंसर वन बाई टू ए, वन बाई टू ए इंटू वाई के वैल्यू फ्रेंड्स रख देते हैं तो वाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी और इसका पावर माइनस पी प्लस वन, यानी कि वन माइनस पी लिख सकते हैं बट्टा, ये बट्टा में जो है उसको भी लिख सकते हैं वन माइनस पी और प्लस सी, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हम लोग का आंसर 24 का। अब फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए देखते हैं कि 25 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया हुआ है, 25 का फर्स्ट नंबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू डी एक्स, ठीक है, यह दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो आगे फ्रेंड्स सॉल्व इसको करते हैं तो आ जाएगा हम लोग का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू एक्स क्यू को फ्रेंड्स आगे तोड़ते हैं तो इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो फिर एक्स क्यू आ जाएगा हम लोग का, ये हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोग लेट करेंगे वाई बराबर, लेट वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं
तो फ्रेंड्स यहाँ हम लिख देते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये प्लस फाइव है इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस फाइव हो, वाई माइनस फाइव हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स और प्लस फाइव है तो इसका शून्य हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, वन बाई टू इंटू डी वाई बराबर हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स। अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं समीकरण वन से, तो फ्रेंड्स समीकरण वन दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो अब देखिए हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव को क्या माने है वाई, तो अंडर रूट वाई इंटू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आया हुआ है वाई माइनस फाइव, तो वाई माइनस फाइव इंटू एक्स इंटू डी एक्स, तो फ्रेंड्स इसका वैल्यू आया हुआ है वन बाई टू इंटू डी वाई। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग का आ जाएगा, तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तो वन बाई टू बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा फ्रेंड्स इंटीग्रेशन ऑफ वाई के पावर, जब रूट वाई है तो वाई के पावर वाई माइनस फाइव इंटू वाई के पावर वन बाई टू हो जाएगा और ये इंटू डी वाई क्योंकि वन बाई टू बाहर है, वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रेंड्स तो जब बेस सेम रहता है तो पावर एड हो जाता है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स वाई के पावर थ्री बाई टू, वन और प्लस वन बाई टू तो थ्री बाई टू और माइनस फाइव में मल्टीप्लाई कीजिए तो फाइव वाई के पावर वन बाई टू आ जाएगा और ये इंटू डी वाई। अब फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, वन बाई टू और इंटीग्रेशन ऑफ वाई के पावर थ्री बाई टू इंटू डी वाई, माइनस फाइव बाहर करते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ वाई के पावर वन बाई टू इंटू डी वाई, तो आ जाएगा फ्रेंड्स वन बाई टू और वाई के पावर थ्री बाई टू का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन में एक वन ऐड करके फिर पावर में वन ऐड करके फिर उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स टू बाई फाइव वाई के पावर फाइव बाई टू माइनस फाइव इंटू इसका फ्रेंड्स हो जाएगा वाई के पावर वन बाई टू है तो वन जोड़ेंगे तो थ्री बाई टू हो जाएगा, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा टू बाई थ्री इंटू वाई के पावर थ्री बाई टू और प्लस सी हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ से हम टू वाई के पावर थ्री बाई टू कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम करते क्या हैं, यहाँ से इरेज हम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से वन बाई टू इंटू टू वाई के पावर थ्री बाई टू हम कॉमन करेंगे तो फ्रेंड्स हम लोग का आ जाएगा वाई बाई फाइव माइनस फाइव बटा थ्री आ जाएगा। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे, प्लस सी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स टू से टू कैंसिल हो जाएगा, आ गया वाई के पावर थ्री बाई टू और ये एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स पंद्रह और ये हो जाएगा थ्री वाई माइनस ये हो जाएगा फ्रेंड्स ट्वेंटी फाइव प्लस सी। अब फ्रेंड्स यहाँ करेंगे क्या, अब वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आ जाएगा ये पंद्रह जो है इसको बाहर कर लेते हैं, वन बाई पंद्रह इंटू वाई के पावर थ्री बाई टू इंटू थ्री वाई माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस सी। अब वाई का मान रख देंगे वन बाई पंद्रह इंटू वाई का मान है फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का पावर थ्री बाई टू इंटू थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ हम पार्ट इधर इरेज करके आगे सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे वन बाई पंद्रह इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का पावर थ्री बाई टू इंटू, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री फाइव जा फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस सी, तो आ जाएगा वन बाई फिफ्टीन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का पावर थ्री बाई टू इंटू थ्री एक्स स्क्वायर और पंद्रह में से पच्चीस जाएगा तो आ जाएगा माइनस टेन प्लस सी, तो फ्रेंड्स यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स ट्वेंटी फाइव का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको और आगे लिखेंगे तो ये इस तरह लिख सकते वन बाई पंद्रह इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का पावर थ्री बाई टू प्लस सी। ठीक है, जिस तरह भी दिया हुआ रहेगा आंसर आप देख सकते हैं बुक में, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। अब फ्रेंड्स चलते हैं ट्वेंटी फाइव के सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए देखते हैं कि ट्वेंटी फाइव का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए क्यू प्लस एक्स क्यू, ए क्यू प्लस एक्स क्यू इंटू डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन वन लेते हैं। अब फ्रेंड्स लेट करेंगे, लेट वाई बराबर ए क्यू प्लस एक्स क्यू। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फ्रेंड्स आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए क्यू कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन शून्य, और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर, तो वन बाई थ्री इंटू डी वाई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब फ्रेंड्स चलते हैं समीकरण वन से, तो चलिए देखते हैं समीकरण वन दिया हुआ है अंडर रूट ए क्यू प्लस एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट ए क्यू प्लस एक्स क्यू को वाई माने तो अंडर रूट वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू वन बाई थ्री इंटू डी वाई, वन बाई थ्री बाहर कर लेते हैं और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई के पावर वन बाई टू इंटू डी वाई। अब देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा वन बाई थ्री इंटू वाई के पावर वन बाई टू का फ्रेंड्स इंटीग्रेशन होता है टू बाई थ्री इंटू वाई के पावर थ्री बाई टू प्लस सी। अब देखिए फ्रेंड्स ये हो जाएगा टू बटा नाइन वाई के पावर थ्री बाई टू प्लस सी, अब ये हो जाएगा टू बाई नाइन और वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ए क्यू प्लस एक्स क्यू है तो ए क्यू प्लस एक्स क्यू का पावर थ्री बाई टू प्लस सी। तो ये रहा फ्रेंड्स 25 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।